अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सफियान खान, वेलकम टू सफियान मोटरिंग। मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है टोयोटा करोरा एल्टस 1.6 2019 मॉडल है। आज हम इसकी रिव्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस गाड़ी की अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.6 लीटर का इंजन मिलता है, जिसकी अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो ये 122 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और अगर हम इसके टॉर्क के बारे में बात करें तो ये 155 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है, विच इज़ अ गुड इसकी पावर है और टॉर्क भी इसकी अच्छी है। एंड अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो इसकी फ्यूल एवरेज जो रेल एवरेज है लोकल में आपको 10 से 11 किलोमीटर प्रोवाइड करती है, हाईवे पर आपको 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको जो है क्रोम फिनिश का इसका ग्रिल दिया गया है, जो कि टोयोटा एम्बलम जो है एक बड़ी प्रोनाउंस लुक इसमें प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको डिम लाइट्स जो है पार्किंग लाइट्स वो एलईडी में दी गई है, बाकी जो है आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब पे इसके लो एंड हाई बीम भी हैलोजन बल्ब में दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक स्मोक इसके हेडलाइट्स है, जो कि गाड़ी को काफ़ी एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। नीचे बम्पर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बड़ा साइज में जो है आपको लार्ज साइज में एयर इंटेक दिया गया है। एक चीज़ की जो बिल्कुल कमी महसूस की गई है वो है इसमें फॉग लैम्प्स, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी और इतने प्राइस बजट में आपको जो है ना इसमें ये लोग फॉग लैंप्स नहीं देते। तो गाड़ी की अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो पहली नज़र जो पड़ती है वो इसके अलॉय व्हील्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। ये है 16 इंच के एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स हैं, जिसमें जो है आपको योकोहामा का टायर मिलता है। बाकी अगर हम इसके नीचे प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको साइड स्कर्ट्स दी गई हैं, जो कि ग्रैंडी और एल्टस में जो है ये स्टैंडर्ड आती है। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल में साइड मिरर्स की बात करें तो इसमें आपको टर्न सिग्नल दिया गया है, जो कि ये आपको मैन्युअली मिलती है, इसमें जो है पावर्ड ये नहीं है। बाकी अगर हम इसके यहाँ पे बात करें तो इसमें कलर डोर हैंडल्स दी गई है, एयर प्रेशर का कोई सीन नहीं है इसमें। अगर हम इसके रेल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें पहली नज़र जो पड़ती है वो इसके टेल लाइट्स है, जो कि इसमें लावा लाइन्स भी दी गई है डिम के अंदर, और आपको LED में इसकी ब्रेक लाइट्स दी गई है, इंडिकेशन और गेयर लाइट्स जो है आपको इसमें हैलोजन बल्ब के अंदर दी गई है। एल्टस करोला की बैजिंग है, रेयर पे यहाँ पे आपको रेयर व्यू कैमरा भी दिया गया है। बम्पर की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दी गई है, बाकी सिंपल बम्पर है, इसमें कोई स्पोर्टी लुक का सीन नहीं है, सिंपल बम्पर दिया गया है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा और अच्छी रीजनेबल है। अगर अब इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 470 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन दिया गया है, एंड टूल किट्स भी प्रोवाइड की गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में ये अवेलेबल है। तो गाड़ी की अगर हम इसके रियर सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लेग रूम भी इसकी अच्छी है, एंड हेड रूम भी आप चेक कर सकते हैं। मेरी जो है 5'9" हाइट है, मेरी हाइट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि इसका हेड रूम भी अच्छी है। एंड अगर हम इसके दरमियान में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, एंड यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स भी प्रोवाइड की गई है, और इसकी सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि ये फैब्रिक में आती है। मेरे ख्याल से लेदर से जो है फैब्रिक सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट यूनिट्स दी गई है, जो कि काफ़ी रिजनेबल एंड काफ़ी एक लग्जरी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। डोर हैंडल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो ग्लास होल्डर की यहाँ पर भी बॉटल प्लेसमेंट दी गई है, एंड सिंपल है। बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लैक एंड इसमें जो है यहाँ पे बेज कलर का कम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी दी गई है। तो गाड़ी की अगर हम इसकी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इमोबिलाइजर की दी गई है, जो कि न्यू की में आती है। लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज का बटन दिया गया है, और साउंड का बटन है। तो आइए गाड़ी के अब इसके फ्रंट इंटीरियर चेक करते हैं। तो गाड़ी की अगर हम इसके फ्रंट इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 2-टोन कलर में दी गई है, जो कि ब्लैक है और बेज कलर में है। यहाँ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इसके जो है साइड मिरर्स एंड साइड विंडो के कंट्रोल दी गई हैं। साइड मिरर के कंट्रोल जो है वो यहाँ पर दी गई है, एंड साइड विंडोज़ के कंट्रोल वहाँ पर है। यहाँ पर बोटल प्लेसमेंट है, थोड़ी सी स्पेस दी गई है, एंड यहाँ पर स्पीकर आपको दिया गया है। बाकी आइए गाड़ी स्टार्ट करते हैं।
तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके के साथ इसने जो है वेलकमिंग की है। इसकी कोरोना एल्टस जो है इसकी TFT स्क्रीन में दी गए आ जाते हैं जो कि वेलकमिंग करती है। इसके अगर हम गेज क्लस्टर की बात करें तो लेफ्ट साइड पे RPM एंड यहाँ पे राइट साइड पे जो है आपको स्पीडोमीटर दी गई है, जो है फ्यूल गॉज एंड हीट एंड कूल का गॉज भी यहाँ पे दिया गया है। दरमियान में जो है आपको TFT स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको कंप्लीट ड्राइविंग समरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो है 12.7 किलोमीटर पर लीटर जो है इसने दी है। एवरेज भी प्रोवाइड करती है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ऑडोमीटर रेंज जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सारी सेटिंग यहाँ से आप जो है ईको भी ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ एंड ड्राइव इंफॉर्मेशन 1 एंड 2 इसमें जो है सारी समरी प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3-स्पोक टिल्ट स्टेयरिंग व्हील दिया गया है जो कि टेलीस्कोपिक भी है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से आप जो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसमें सॉफ्ट टच के साथ दी गई है जो कि अल्पाइन कंपनी की है। अगर हम इसके यहाँ पर बात करें तो एनालॉग AC इसमें दिया गया है जो कि यहाँ पे आपको ग्रैंडी में जो है आपको क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल में मिलते हैं और यहाँ पे जो है एनालॉग है। यहाँ पे ऑक्स ऑक्सिलरी केबल का जो है ऑक्स भी दिया गया है एंड USB चार्जिंग है एंड 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। इसके अगर मेन खास जो है वो ट्रांसमिशन है जो कि काफ़ी मायूसी के साथ मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इसमें 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है जो कि पहले तो बिल्कुल तकरीबन अभी तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जो है जाके जब लोगों को अवेयरनेस मिलनी शुरू हो गई है तो अब जो है इन्होंने जाके CVT ट्रांसमिशन हमारे जो है जो कि स्पेशल एडिशन और ये ऑल एल्टस जो इन्होंने अभी लॉन्च की है उसमें इन्होंने CVT ट्रांसमिशन दी गई जो कि उसमें मेरे ख्याल से 7 स्पीड आती है। बाकी यहाँ की अगर हम बात करें तो मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 ग्लास होल्डर्स दी गई है एंड यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है जो कि आर्म रेस्ट के अंदर है। एंड यहाँ पे डिजिटल AC है, AC के साथ इसके जो है डिजिटल क्लॉक दिया गया है। बाकी आप डैशबोर्ड की इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं कि ये जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इसका जो है इसकी डैशबोर्ड स्टिचिंग की गई है। बाकी टर्बाइन स्टाइल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके AC वेंट्स दी गई है एंड यहाँ पर आपको ट्विटर का ऑप्शन भी मिल जाता है और यहाँ पर ग्लव बॉक्स दी गई है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। एंड यहाँ की अगर यहाँ की बात करें तो इसमें यहाँ पे रूफ लाइट्स दी गई है और यहाँ पे एक कमी है जो कि आपको वैनिटी मिरर नहीं दिए गए जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स दी गई हैं जो कि काफ़ी इन्होंने हमारे ऊपर एहसान भी किया है साथ में, और जो है ABS ब्रेक्स दिए गए हैं। बाकी एक चीज़ जो है जो कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है वो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। ट्रैक्शन कंट्रोल इन्होंने नहीं दिया, वो इन्होंने आपको ग्रैंडी में दिए हैं, उसके लिए आपको अलग से पैसे आपने पे करने होंगे जो कि आपको ग्रैंडी में ही मिलते हैं। तो ये थी इसकी कंप्लीट वॉक अराउंड। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे जो है 90% मेरे जो है ऑडियंस जो है वो सब्सक्राइब्स नहीं करते, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी ये गाड़ी है भी फॉर सेल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नंबर मिल जाएगा, हमसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और वीडियो आपने फुल इन्जॉय की होगी उम्मीद है। तो फेसबुक पेज भी हमारी लाइक करें, वहाँ पर भी इसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यूज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।